हाय फ्रेंड्स, हेलो। मैं हूँ दिव्या। मैं विकास। और हम हैं बेफिक्रे। और आज हम फिर आ गए हैं कुछ नई अपडेट्स लेके, तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, टैप 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 करके ना देखें, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, सो स्टे कनेक्टेड। और जो फर्स्ट अपडेट है वो है, MOI ने एक ट्रैफिक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रैफिक KW। इसको आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे कि आपको जितनी भी ट्रैफिक सर्विसेज है वो आपको मिलेगी। लाइक आपका कोई ट्रैफिक वायोलेशन होता है और तो उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपनी ट्रैफिक वायोलेशन की पेमेंट करनी है तो आप उस ऐप से कर सकते हैं। और अगर कोई रोड पे ब्लॉक लगा है, उसको डाइवर्ट कर रखा है ट्रैफिक को, तो वहां से आप देख सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा अगर आपने ये ऐप डाउनलोड कर रखा। सेकेंड थिंग, अगर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड भी इसमें काफी सारे सर्विसेज है। अगर लाइक आप अपना टेस्ट डेट का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इसमें बुक कर सकते हैं। और अगर आपका टेस्ट डेट पे टेस्ट में पास हो जाते हैं और आपका लाइसेंस कब मिलने वाला है वो अपॉइंटमेंट आप फिर वो भी बुक कर सकते हैं। और भी सर्विसेज जो लाइसेंस से रिलेटेड होती है, उस टाइप की सर्विसेज को आप इवेल कर सकते हैं इस ऐप से। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो है, नो पब्लिक सेलिब्रेशन फॉर इंडिपेंडेंस डे एट इंडियन एम्बेसी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली थी इंडिपेंडेंस डे के लिए वो नहीं होने वाली है। जो भी सेलिब्रेशन होगा वो ऑनलाइन होने वाला है, जिसका मतलब 3-stage प्लान प्रपोज फॉर एक्सपेक्ट्रेट टू रिटर्न कुवैत। जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर डॉक्टर, नर्सेस, जज एंड मेंबर ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूशंस एंड द टीचर्स को कुवैत वापस लिया लेके आया जाएगा। सेकेंड स्टेज में जो भी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली जिसमें उनके बच्चे और वाइफ, वो वापस आएंगे। एंड इवन लाइक अगर कोई मेन मेंबर है वो भी वापस आया जाएगा। और उस जो भी आर्टिकल 18 में है बेसिकली वो लोगों को वापस लिया जाएगा। और थर्ड स्टेज में लाया जाएगा बाकी लोग जो कुवैत आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो ये 3 stages पे डिवाइड किया गया है लोगों को वापस लाने की एक्टिविटीज को। बट ये अभी प्रपोज किया गया है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल डिसीजन। और इंडिया से कुवैत लाने की ये जो जर्नी है जल्दी ही शुरू होगी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं पूरी। जो भी वीजा इशू हुए थे 13 मार्च से पहले वो अब कैंसिल हो चुके हैं, जैसे कि फैमिली वीजा, कमर्शियल वीजा, टूरिस्ट वीजा। तो वो जितने भी वीजा थे जो 13 मार्च से पहले, वो अभी तक कैंसिल हो चुके हैं। और गवर्नमेंट ने बोला है वो कि एक नया मैकेनिज्म लेके आएंगे इन वीजास को रीइश्यू करने के लिए। डिसीजन टू बैन 31 कंट्री विल बी रिव्यू एवरी 10 days। इसका मतलब ये है कि जितने भी 31 कंट्री को बैन किया गया है, हर एक 10 दिन बाद उनको रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सी कंट्री को उसमें से हटाया जा सकता है। सो ये था कुछ अपडेट्स इसको लेकर। टेम्परेरी फ्लाइट सर्विस बिटवीन इंडिया एंड कुवैत में स्टार्ट सून, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट और कुवैत की गवर्नमेंट दोनों में बातचीत चल रही है कि टेम्परेरी फ्लाइट सर्विस शुरू करी जा सके, जिससे कि जो लोग इंडिया में हैं वो कुवैत वापस आ सके और यहाँ से जो कुवैत से इंडिया जाने वाले हैं वो लोग जा सके। सो इस पे बात चल रही है, लगता है कि कुछ ना कुछ होगा इस मंथ के में, फर्स्ट या सेकेंड वीक में इस डिसीजन आ जाएगा और शेड्यूल को बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे फ्लाइट शेड्यूल होने वाले हैं। और वो जो फ्लाइट शेड्यूल होने वाले हैं उनको हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपसे जरूर शेयर करेंगे। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है न्यू ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम 5th of August। और जो इस लाइसेंस में काफी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी गई है, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, आपका डेजिग्नेशन और काफी चीजें, और इवन इसमें एक होमोग्राफ स्कैन करने के लिए भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है अब ये नया लाइसेंस। मीन दिस स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस। यस, स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस। और आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। होप करते हैं कि आपके पास सारी अपडेट्स मिल गई होंगी। और अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट हैं, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिसके आपके पास सारी नोटिफिकेशन हमारी मिल जाएंगी। और हमें लाइक करें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। और जिसने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया,
प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कुछ पैसा नहीं लगना, हमें बस एक मोटिवेशन मिलती है, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम लोग डालते रहते हैं अपनी नई नई स्टोरीज और हमारे व्लॉग्स में क्या क्या नया आने वाला है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे हम लोग अपनी स्टोरीज और या फिर हम कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हम पहले भी बता रहे हैं आपको कुछ ऐसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन हम लोग इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। बाय बाय बाय। बिहाइंड द सीन मैं बोलूंगी, नहीं ये पॉइंट मुझे बोलना है। अरे ये वाला मैंने, हमने पहले डिस्कस किया था कि ये वाला पॉइंट को मुझे बोलना है। अरे ये देखो ना, मेरा नाम लिखा है इसमें। अरे नहीं देखो, इसमें दिव्या लिखा है, ये पॉइंट मेरा है। और जो फर्स्ट अपडेट है वो है MOI ने एक ट्रैफिक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रैफिक KW, एक मिनट फिर से ब्लैंक। और जो फर्स्ट अपडेट है वो है MOI ने एक ट्रैफिक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रैफिक KW। KW क्या दिव्या? KW का क्या मतलब होता है? क्या है? आप क्या करता है दिव्या? KW 3-stage plan proposed for expected to return to Kuwait. एक मिनट, कुवैत और ऑल वीजा जो इश्यूड हुए थे, एक मिनट ऑल वीजा टू